हेलो फ्रेंड्स, मैं रूहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वनली एसएससी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सभी को एसएससी एमटीएस 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं और आप सभी के लिए एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन डेट है और जो एग्ज़ाम डेट है, एसएससी ने क्लियर कर दिया है। अगर आप सभी को नहीं पता है तो आगे देखिएगा। एसएससी एमटीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो 7 मई 2024 को आएगा, यानी कि 7 मई से आप फॉर्म भर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट होगा वो 6 जून 2024 होगा। साथ साथ जो एग्ज़ाम है वो जुलाई और अगस्त महीने में कंडक्ट किया जाएगा। 2024 में उम्मीद की जा रही है कि जो वैकेंसीज भी हैं वो भी थोड़ा बढ़ के आएँ, तो आप सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और अभी से लग जाइए एग्ज़ाम की तैयारी में। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें दो सेशन होते हैं। सेशन फर्स्ट में 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और जो सभी क्वेश्चन होते हैं वो 3-3 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैथ की बात करें तो टोटल 60 नंबर के मैथ होंगे और 60 नंबर के रीजनिंग होंगे। टोटल 120 नंबर के सेशन फर्स्ट होगा, और सेशन फर्स्ट का जो टाइमिंग है तो 45 मिनट जो है इसका टाइम होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 45 मिनट सेशन फर्स्ट के लिए दिया जाएगा। सेशन फर्स्ट के समाप्त होने के बाद ही सेशन सेकंड आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सेशन फर्स्ट जो है इसमें नो निगेटिव, मतलब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये ध्यान देने वाली बात है। और इसके साथ साथ ये जो है आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना होता है। जब आप सेशन फर्स्ट में क्वालिफाई करोगे तभी आपका जो सेशन सेकंड है उसको चेक किया जाएगा। बात करते हैं सेशन सेकंड में, तो फ्रेंड्स सेशन सेकंड में जीके जीएस 25 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन का आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो है 75 नंबर का जीके जीएस और 75 नंबर का इंग्लिश होगा। अगर इन दोनों की बात करें, यानी कि सेशन सेकेंड की जो टोटल मार्क्स होंगे वो 150 होंगे। और ध्यान देने वाली बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो है कितना है, अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत है तो 3 नंबर कटेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के रॉन्ग होने पर आपके 1 नंबर कट जाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान से, यानी कि जो आपको क्वेश्चन आता होगा उसी को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम तुक्का मारें या फिर गलत करें, क्वेश्चंस गलत नहीं करना है आपको। सेशन फर्स्ट में आप गलत कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, जबकि सेशन सेकंड में आपका नेगेटिव मार्किंग है। साथ साथ जो आपका मेरिट बनता है वो भी सेशन सेकंड के हिसाब से ही बनता है, इसी के थ्रू आपका मेरिट आएगा। फाइनल मेरिट भी आएगा, पीईटी पीएचटी के लिए भी जो भी मेरिट बनेगा वो सेशन सेकंड के थ्रू ही बनेगा। एक बात और, अभी आपने सुना कि सेशन फर्स्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो क्वालिफाइंग नेचर का है तो मिनिमम जो क्वालिफाई है, क्वालिफिकेशन है, वो यूआर के लिए 30% है, ओबीसी के लिए 25% है और अन्य कैटेगरी के लिए 20% है। तो सेशन फर्स्ट आपका टोटल 120 नंबर का था। अगर हम बात करें यूआर के लिए, तो यूआर के लिए क्वालिफाइंग जो मिनिमम क्वालिफाई है वो कितना होगा, 120 का 30% 36 हो जाएगा। 36 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% यानी कि 1/4 30 नंबर आपको मिनिमम, यानी कि सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 30 नंबर लाने होंगे अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। और इसके अलावा अगर कोई दूसरी कैटेगरी है तो आपको मिनिमम 24 मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आप सेशन फर्स्ट को क्वालिफाइंग करेंगे और उसके बाद सेशन सेकेंड को कापी आपकी चेक की जाएगी। इसके अलावा जो हवलदार की पोस्ट होती है उसके पीईटी के लिए अगर मेल की बात करें तो 1600 मीटर की रेस आपको 15 मिनट में कंप्लीट करनी है, और वहीं आपकी जो हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर फीमेल की बात करें तो 20 मिनट में 1 किलोमीटर उसको दौड़ना होगा, और जो फीमेल की हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि पीईटी के लिए कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए उनका जो रेशियो होगा 1:5, अगर वैकेंसी 1 है तो 5 स्टूडेंट्स वहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो फाइनल मेरिट बनती है वो सेशन
सेकंड के हिसाब से बनती है, यानी कि 150 नंबर में आप कितना नंबर पा रहे हैं, कितनी कट ऑफ जा रही है 150 में, वही आपकी कट ऑफ होगी, फाइनल कट ऑफ होगी। तो आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है फ्रेंड्स, SSC MTS